अयोध्या के राम मंदिर में राम की एक मूर्ति स्थापित की गई है। काले पत्थर से बनी इस मूर्ति को राम का बाल रूप कहा जा रहा है, लेकिन इस मूर्ति के आभामंडल में विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखा दिया गया और इसी में 9वें अवतार के तौर पर तथागत बुद्ध को भी पेश किया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या तथागत बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे या फिर ब्राह्मणवादियों ने भगवान बुद्ध को हड़पने के लिए उन्हें एक साजिश के तहत विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ जाना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को हमेशा के लिए ठुकरा कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तब उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसमें 5वीं प्रतिज्ञा यही थी, यानी बाबा साहेब ने खुद इस झूठ को बेनकाब कर दिया। वो साफ साफ कहते हैं कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है और वो इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानते हैं। यानी बाबा साहेब के मुताबिक तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाना या उसे विष्णु और राम से जोड़ देना सरासर पागलपन है और ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो बाबा साहेब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में से सबसे पहली प्रतिज्ञा में ही विष्णु की पूजा नहीं करने का प्रण क्यों लेते। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अब सवाल उठता है कि अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो बाबा साहेब जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जिन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया था, जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर कई गहन रिसर्च की और कई किताबें भी लिखी, वही बाबा साहेब विष्णु की पूजा करने से मना क्यों करते हैं। इसका जवाब अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए कि वो क्यों राम की मूर्ति के भीतर भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार दिखा रहे हैं। बाबा साहेब अपनी दूसरी प्रतिज्ञा में ही राम में आस्था से इनकार करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ना विष्णु को मानते हैं और ना ही वो राम को मानते हैं और ना ही तथागत बुद्ध को वो विष्णु राम का अवतार मानते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी ही चालाकी से तथागत बुद्ध को हिंदू धर्म से जोड़ने की साजिश हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर जिसे पागलपन मानते थे वो दरअसल आरएसएस के प्रोजेक्ट हिंदुत्व का हिस्सा है, ताकि दलित और वंचित वर्गों को राम मंदिर से जोड़कर उनका हिंदूकरण किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राम का अस्तित्व वाल्मीकि के रामायण पर आधारित है, उसी वाल्मीकि रामायण में बौद्धों को चोरों की तरह दंडित करने की बात कही गई है। मीडिया विजिल पर एक लेख है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव इसका जिक्र करते हुए रामायण के एक प्रसंग को याद करते हैं। वो लिखते हैं कि रामायण में एक किस्सा है कि जब भरत राम को मनाने जंगल में जाते हैं, लेकिन जब हर तरह से विनती करने और मनाने के बावजूद राम अयोध्या वापस आने को तैयार नहीं होते, तो दशरथ के याजक और ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे जो कहा उसका अर्थ कुछ ये था कि नाते रिश्ते कुछ नहीं होते, हर व्यक्ति दुनिया में अकेला आता है, कोई परलोक वरलोक नहीं होता, जाओ और अयोध्या में राज करो। राम इस नास्तिकता और बुद्ध के प्रभाव में आने के लिए जाबाली को खूब कोसते हैं। एक श्लोक तो बेहद कड़ा है, यता ही चोर से तता ही बुद्ध स्थागतम नास्तिक मत्र विधि तस्मादि से सक्यतम प्रजाना से नास्तिके नाभि मुखो बुद्ध स्वायत। अर्थात जैसे चोर दंडित होते हैं उनको दंडित होना चाहिए, दंडनीय होते हैं वो, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको भी दंडित करना चाहिए, वो भी दंडनीय है। तथागत यानी कि नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। इस श्लोक को आप अगर देखना चाहें तो अयोध्या कांड के श्लोक नंबर 34 109वां सर्ग पेज नंबर 528 वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की प्रति में आप इसको देख सकते हैं। रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में जिक्र किया गया है कि बौद्धों को चोरों के समान दंड दिया जाना चाहिए, वो दंडनीय है। तो आप बताइए, आप सोचिए कि अगर तथागत बुद्ध विष्णु यानी राम का ही अवतार थे तो फिर वाल्मीकि रामायण में बौद्धों के लिए चोरों जैसे दंड का विधान क्यों किया गया, बौद्धों का जिक्र इस तरह से क्यों आया वाल्मीकि रामायण में। अगर वो विष्णु के अवतार थे तो उसके प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए थी, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्यों बौद्धों को चोरों जैसा अपराधी कहा गया और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात कही गई।
क्या राम मंदिर वाले इसका जवाब दे सकते हैं, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, रामायण में इसका जिक्र क्यों है? अगर तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो फिर देश भर में हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं वहां तथागत बुद्ध की पूजा क्यों नहीं की जाती? क्यों हिंदू तथागत बुद्ध को नहीं मानते? क्यों हिंदू भगवान बुद्ध के धर्म से परहेज करते हैं? अगर बुद्ध भी विष्णु के नौवे अवतार हैं तो फिर राम भक्त तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? इन सवालों का जवाब ना ही राम मंदिर बनाने वाले दे सकते हैं और ना ही वहां जाने वाले लोग। दरअसल ये ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच की सदियों पुरानी भिड़ंत का ही हिस्सा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में कहते हैं कि भारत का इतिहास बौद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के टकराव के अलावा जंग के सिवा कुछ नहीं है। यानी भारत का पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो बौद्धों और ब्राह्मणवादियों के बीच के टकराव की कहानी है। बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करना सरासर झूठ है और ये बाबा साहेब के शब्दों में कहें तो पागलपन है। कहीं बुद्ध की मूर्ति को चमकीले कपड़े पहनाकर देवी बना दिया जाता है, इस तरह के वीडियो हैं मंदिरों में से। कोर्ट ने स्टे किया कि इसमें आप ये जो मूर्ति पूज रहे हैं ये बुद्ध की है, ये देवता की नहीं है, ये मामला सामने आ चुका है और कहीं उन्हें अवतार घोषित कर दिया जाता है। एक बुद्ध को मिटाने के लिए मनुवादियों ने हजारों देवी देवता और कहानियां गढ़ डाली, लेकिन बुद्ध है कि मिटते नहीं। इसलिए हमें ऐसी साजिशों से सावधान रहना चाहिए और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब बहुजनों को बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि तथागत बुद्ध जो हैं वो राम के विष्णु के अवतार हैं या फिर आप इसे एक ब्राह्मणवादी साजिश मानते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं, आपकी राय बहुत कीमती है। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।